बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू AMS हाई स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम प्रेप क्लास उर्दू मीडियम के साइंस के नोट्स के मुताबिक आपको पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको मिले थे ये नोट्स आपकी वेकेशंस में। स्टूडेंट्स, आपके सामने खुले हुए हैं नोट्स का आपके क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, प्रेप क्लास उर्दू मीडियम की बुक के मुताबिक स्टूडेंट्स, चूँकि बुक आपको अवेल नहीं, नोट्स आपने केयर से संभाल के रखने हैं, ये बात हमने आपको बता दी थी और आपको रिमाइंड करवाई थी। स्टूडेंट्स, नोट्स के मुताबिक आपको हम पढ़ाएंगे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करते हैं। सवाल नंबर एक, हमारे इर्द गिर्द मौजूद चंद अशिया के नाम लिखें। स्टूडेंट, सबसे पहले हम चूँकि जानदार हैं और हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। इर्द गिर्द का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग्स में, यानी हमारे आसपास। स्टूडेंट्स, हमारे नज़दीक जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उसको हम अपने इर्द गिर्द कहते हैं, जो कि हमारा माहौल बनाती हैं। स्टूडेंट्स, हमारे माहौल में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिसके हम रोज़मर्रा देखते हैं और जिसको इस्तेमाल में लाते हैं। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इस सवाल के चंद अशिया का जिक्र कर रहे हैं। हमने आपको बताया हमारे इर्द गिर्द मौजूद चंद अशिया के नाम लिखें। स्टूडेंट्स, चीज़ें तो बहुत सी होती हैं मगर हमने चंद अशिया का जिक्र करना है, यानी यहाँ पर आपको एग्जैम्पलीफाई करना है कि इर्द गिर्द की कौन सी चीज़ें हमारा माहौल बनाती हैं। जवाब है मेज़, कुर्सी, डेस्क, पेंसिल, किताब, लड़का, पंखा, दरवाज़ा, टीचर, बल्ला वगैरह। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जो चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास ये चीज़ें जब आप स्कूल जाते हैं वहाँ भी होती हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं किसी के घर जाते हैं या फिर आप बाज़ार में जाते हैं तो मुख्तलिफ चीज़ें आपको वहाँ भी नज़र आती हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके घर में भी बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। जैसा कि अगर आप स्कूल जाएँ तो आप देखते हैं मेज़, कुर्सी, डेस्क, पेंसिल, किताब, लड़का, यानी कि इंसान। लाजिम नहीं कि सिर्फ़ एक लड़का ही माहौल में हो। स्टूडेंट्स, कोई भी इंसान आपके माहौल में होता है, वो लड़की हो लड़का हो। पंखा, दरवाज़ा, टीचर, स्टूडेंट, उस्ताद तो स्कूल में लाजमी होते हैं ना। और आप अक्सर, अगर आपके स्कूल में ग्राउंड है या फिर आपके स्कूल में प्लेग्राउंड है तो बल्ला भी होगा वगैरह। स्टूडेंट्स, जब आप घर में हो तो घर पे भी मेज़, कुर्सी, आपकी पेंसिल, किताब, कोई भी इंसान जैसा कि लड़का, आपका पंखा जो कि छत पे भी लगा हो सकता है और ज़मीन पे भी पड़ा हो सकता है, और दरवाज़ा, बल्ला, ये सब चीज़ें आपके घर पे भी मौजूद होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल नंबर दो की तरफ। सवाल नंबर दो में है, अशिया की कितनी इकसाम होती हैं? जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर दो है, अशिया की कितनी इकसाम होती हैं? अशिया चीज़ों को कहा जाता है और इकसाम होती हैं किस्में, यानी के मुख्तलिफ चीज़ों की किस्में। स्टूडेंट, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अशिया की कितनी इकसाम होती हैं, तो ये एक वाज़ह सी बात है। स्टूडेंट, आपने या तो जानदार अशिया देखी हैं या बेजान,
अशिया की दो इकसाम होती हैं। अशिया की यानी चीज़ें दो किस्मों की होती हैं, एक जानदार अशिया यानी वो जिनमें जान होती है, और एक बेजान अशिया यानी वो जो जान नहीं रखती। स्टूडेंट्स, जानदार अशिया और बेजान अशिया में फ़र्क इतना है कि जानदार अशिया मुख्तलिफ काम कर सकती हैं, बढ़ती फूलती हैं। स्टूडेंट्स, बेजान अशिया कोई काम नहीं कर सकती, हरकत नहीं कर सकती और बढ़ती फूलती भी नहीं है। स्टूडेंट्स, जानदार अशिया जैसा कि आप खुद हैं, इंसान, पौधे, यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों के नाम हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। उसमें से स्टूडेंट्स ये देखें, मेज़, कुर्सी, डेस्क, पेंसिल, किताब, ये चीज़ें हरकत नहीं करती, ना ये बढ़ती हैं, ना ये अपनी जगह से हिल सकती हैं, ना कुछ खाती पीती हैं, तो ये बेजान अशिया हैं। लड़का, टीचर, पौधे और बहुत से हशरात जैसा कि तितली, मक्खी, स्टूडेंट्स ये जानदार अशिया होती हैं जो कि हरकत करती हैं, बढ़ती हैं और स्टूडेंट्स खाती पीती हैं, अपनी जगह से हिल सकती हैं, सांस लेती हैं, वो जानदार अशिया होती हैं, और जो बढ़ती नहीं हैं, हरकत नहीं कर सकती, स्टूडेंट्स जो खाती पीती नहीं हैं, वो बेजान अशिया होती हैं। नशोनुमा ना पाने वाली चीज़ें बेजान होती हैं और नशोनुमा पाने वाली चीज़ें जानदार। स्टूडेंट्स, आपको आज के इन दोनों सवालात के मुताबिक हमने बताया। कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।